अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर दरभंगा के लहरियासराय पोलो मैदान से निकली धन्यवाद यात्रा जिसमें एनआरसी और सीएए के समर्थन में निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता मुरारी मोहन झा ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तारालाही पंचायत स्थित दुर्गा भवन में मना रहे हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में आजाद शत्रु के नाम से विख्यात थे, उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। राज्यसभाओं के प्रथम मधुर प्रवक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिथिला के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मिथिला में 4 लाइन बनवाए और मिथिला को राष्ट्रीय अनुसूची में डालकर उन्होंने जो उपकार हम पर किया है वह मिथिलावासी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। जी सर, अब बताइए, आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। आज हम लोग अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मना रहे हैं तारालाही पंचायत के स्थित दुर्गा भवन दुर्गा मंदिर कैंपस में। और हमारे प्रधानमंत्री जो आजाद शत्रु के नाम से पूरे विश्व में विश्वविख्यात थे, संपूर्ण जीवन जिन्होंने राष्ट्र के नाम समर्पित किया, शांत स्वभाव के मृदुभाषी प्रखर प्रवक्ता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिथिलांचल के लिए, खास करके मिथिलांचल में जो उन्होंने किया, यह 4 लेन सड़क देकर और मैथिली भाषा को राष्ट्रीय अनुसूची में डालकर यह संपूर्ण मिथिलावासी ता जन्म उन्हें याद करेंगे। जब तक उनकी प्रेरणा हम लोगों को सदा मिलती रहेगी इसी प्रकार, और हम तमाम यहाँ उपस्थित लोग आज उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और इनके श्रद्धांजलि देने के उपरांत अभी जो नागरिक संशोधन बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से और राज्यसभा से पूर्ण बहुमत के साथ, इसके बारे में हम लोग रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, धन्यवाद यात्रा के माध्यम से लोगों को समझाने आए हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि कुछ क्षेत्रीय दल और तथाकथित राष्ट्रीय दल जो इस बात को हवा दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी, हम उसको समझाने आए हैं कि सीएए इसमें कहीं से नागरिकता छीनने की बात नहीं है, बल्कि वैसे जो हमारे हिंदू भाई, ईसाई भाई, बौद्ध धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित जिन्हें किया गया है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वो जो हमारे यहाँ शरण लिए हुए हैं, उनको नागरिकता देने की बात है, न कि नागरिकता किसी के छीनने की बात है। यहाँ धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर वो लोग हिंदुस्तान का शरण इसलिए लिए, कारण हिंदुओं के लिए एक शरण स्थली मात्र पूरे विश्व में अगर कोई राष्ट्र है तो वो हिंदुस्तान है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, उनको चुन चुन कर निकाला जाएगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये संकल्प है, उन्होंने घोषणा किया है। और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी था कि हम शासन में आएंगे तो NRC लागू करेंगे, नागरिकता कानून लागू करेंगे, और उनका संकल्प है, उन्होंने घोषणा किया है। पूरे देश से जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम निकाल कर रहेंगे, और तमाम यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उसी के समर्थन में आज धन्यवाद यात्रा के माध्यम से लोगों को समझाने के प्रयास करेंगे। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो मुसलमान भाई, यहाँ कभी घबराने की कोई बात नहीं है, वो हमारे देश के नागरिक हैं और वो नागरिक रहेंगे, उनके प्रति इस
एक्ट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि उनको निकाला जाएगा, मगर ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस अपने आप को कहती है वो भी आज क्षेत्रीय दल के रूप में सिमट कर रह गई है। वो लोगों को बरवाने में, मुस्लिम भाइयों को बरवाने में लगे हुए हैं। यह एक्ट के तहत आप लोगों को भी देश निकाला होगा, निकाला जाएगा, मगर इसी से सावधान करने हम सब उनके बीच आज यह धन्यवाद यात्रा के माध्यम से।